एक ऐसी संस्था जो हमको दूसरों के लिए जीना सिखाती है। जी हाँ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज से 7 साल पहले चालू हुई एक ऐसी संस्था जिसने आज केवल जबलपुर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने काम को एक गति प्रदान की है, प्रगति प्रदान की है। 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का न मतभेदों में खोने का, समय है एक होने का न मतभेदों में खोने का, बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। मैं बुलाना चाहता हूँ स्पीच के लिए आयुषी गोस्वामी को, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बसंत पंचमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा नाम आयुषी गोस्वामी है और स्वप्नदीप इंस्टीट्यूट से मैं 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं यहाँ पर एकेडमिक स्टडीज़ किया करती थी, अब संगीत सीखती हूँ। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, अपनी बात जो मैं रखना चाहती हूँ, ये जो है ना तो संगीत से रिलेटेड है और ना ही किसी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। हमारे समाज के हित के लिए और भारत के निर्माण के लिए काफ़ी आवश्यक है। मैं एक समाज सेवी संस्था जिसका नाम ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम करती हूँ, उसमें वॉलंटियरिंग करती हूँ। इस संस्था की शुरुआत 7 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज से की गई थी। कुछ छात्रों ने मिलकर कॉलेज कैंटीन से इसकी शुरुआत की थी, मैं आपको बता दूं। और एक गुहार पहल चलाई गई थी, एक कैंपेन है, एक क्लॉथ कैंपेन है, 24/7 सर्विसेज है, जिसमें कि जो कपड़े हैं, जो यूज्ड अनयूज्ड क्लोथ्स रहते हैं हमारे घर पर, वो हम घर घर जाके कलेक्ट करते हैं। आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कपड़े कलेक्ट करके हम शफलिंग करते हैं एक जगह। शफलिंग ऐसे होती है कि महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के, विलन, नॉर्मल, ये सारे कपड़े हम अलग अलग करते हैं। उसके बाद गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक इसे पहुँचाने का काम करते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इतने कार्य के प्रति इतने सक्षम हैं, इतने ज़्यादा डिवोटेड हैं कि वे रात में जाकर, जो मेन वॉलंटियर्स है खासकर, वो रात में जाकर 10-10:30 बजे के बाद जाकर सुबह 4 बजे तक कार्य करते हैं। पूरे शहर में घूमकर देखते हैं कि कोई ज़रूरतमंद ऐसा तो नहीं जिसके तन पर कोई कपड़ा ना हो, उसे कंबल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर साल हम देखते हैं कि नज़र में कितनी मौतें हो जाती हैं इस कारण, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आंकड़ा कम से कम हो। इसी के साथ ही अक्षय पात्र नाम की एक कैंपेन हम चलाते हैं, ये भी एक 24/7 सर्विस है, जिसमें कि शादी में, फंक्शंस में, बर्थडे पार्टीज या जो भी घर में हमारे फंक्शन होते हैं, हम उसमें जो खाना बच जाता है, आप अगर हमसे संपर्क करते हैं, तुरंत वहाँ पर जो भी वॉलंटियर वहाँ पर अवेलेबल होता है उस एरिया में, हम जाकर कलेक्ट करते हैं खाना। हम सेम चीज़ वही करते हैं कि उसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके पैकेट्स बना के या फिर पूरा खाना कलेक्ट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे गरीबों तक पहुँचाया जाता है, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है। ये मोटिव हमारा बस एक ही है कि जितना भी लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाटी। थर्ड जो हमारा विंग है, ये सक्षम विंग है, ब्लड डोनेशन विंग है। इसमें हमारी कोशिश यही है कि आप जब भी हमसे संपर्क करें ब्लड डोनेशन के लिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप तक जो है ब्लड पहुंचा सकें। चूँकि हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां हमारे शहर में फैली हुई थी, हमने पूरी कोशिश की, लोगों ने, जितने लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने पूरी कोशिश की, 99% हमने उनको ब्लड डोनेट करवाने की कोशिश की है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी ब्लड डोनेट करें अगर आप सक्षम हैं तो, क्योंकि ब्लड हम दुकानों पर जाकर नहीं खरीद सकते, हम भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर के जो अस्पताल हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों, उनके हालात काफ़ी ख़राब हैं ब्लड डोनेशन के मामले में। तो मैं कोशिश करूंगी और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए। चौथी जो हमारी विंग है, वो स्पेशली मैं उससे काफ़ी अच्छे से जुड़ी हुई हूँ, 100% डिवोट करना चाहती हूँ, मैं अपना डिवोट करती हूँ।
और इसका नाम है अपराजिता। ये एक विमेन्स विंग है और इसमें हम महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करवाते हैं, कोशिश करते हैं पूरी। इसमें हम लोगों ने पिछले 10-12 महीने में 8 मार्च, चूँकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, पिछले साल हमने शुरुआत की थी आई एम शक्ति कैंपेन की, जिसमें कि हम बस्तियों में जाकर महिलाओं को उनकी सैनिटेशन और हाइजीन के प्रति जागरूक करते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। हमारी कोशिश है कि इस साल भी, नेक्स्ट मंथ चूँकि 8 मार्च है, वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो हमारी कोशिश है कि एक और बस्ती हम अडॉप्ट करें। पिछले साल हमने ललपुर बस्ती अडॉप्ट की थी, इस साल हमारी कोशिश है एक और बस्ती अडॉप्ट करें और वहाँ पर अवेयरनेस कैंप्स की शुरुआत करें। इसी के अंतर्गत गुड टच और बैड टच नाम का एक हम कैंपेन अभी हमने स्टार्ट किया है, जो बच्चों के लिए है, खासकर जो बच्चे एजुकेशन से, एजुकेशनल राइट्स और अच्छे स्कूलों से वंचित हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाकर उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को भी बताएं, समझाइश दें। जो सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पर ऐसी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिलती हैं कि उनको इस बारे में पता चले, स्पेशल कैंप्स नहीं लगाए जाते हैं, हमारी कोशिश है कि वहीं पर जो है हम इसको इस चीज़ के लिए हम जागरूक करें, इस चीज़ पर काम करें। इसी के साथ ही हम सेल्फ डिफेंस जो कैंप्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये भी हम लगाएं। और मैं आपको बता दूं कि सेल्फ डिफेंस कैंप से ही इस अपराजिता विंग की स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद आता है हमारा विंग यात्रा। यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आपने देखा होगा कि जबलपुर में अभी जो ट्रैफिक वार्डन नाम की पहल चलाई गई है, यातायात पुलिस से संपर्क करके उनके साथ मिलकर हम ये कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, आपको शहर के जितने भी मुख्य चौक हैं, चाहे वो शास्त्री ब्रिज हो, तीन पत्ती चौराहा हो, रानीताल हो, ये जो मुख्य चौक हैं जबलपुर के, यहाँ पर हमें ट्रैफिक वार्डन्स देखने को मिलते हैं, जो आपका कई बार चालान भी काट देते हैं अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, यदि आप ट्रिपलिंग में हैं, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। तो हमारी पहल यही है कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करें। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नेक्स्ट विंग है उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति यानी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट अवेयरनेस। एनवायरनमेंट अवेयरनेस में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, पेड़ लगाने की और लोगों को इस बारे में अवेयर करवाने। इसी के साथ ही हमारी एक विंग है प्रयास। प्रयास भी मेनली खाने से रिलेटेड विंग है, फूड रिलेटेड विंग है। इसमें अगर आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थडे है और आप चाहते हैं कि आप बल्क में फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारी बिल्कुल कोशिश है कि हमारा प्रयास रहता है कि आपके साथ मिलकर हम वो फूड लोगों तक पहुंचाएं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। इसी के साथ ही जब गर्मियां आती हैं, गर्मियों का सीज़न आता है, हम देखते हैं कि रिक्शे चालक जो हैं या जो मजदूर हैं हमारे यहाँ के, काफ़ी उनको एनर्जी की कमी हो जाती है, धूप में दिन में काम करते रहते हैं वो इतने डिग्रीज़ के टेम्परेचर में। हमारी कोशिश रहती है कि उन तक एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सत्तू हो गया, जो नॉर्मल नींबू पानी हो जाते हैं, ये सब हम पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी विंग है सार्थक। ये हमारी आखिरी विंग है। इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी जैसे मान लीजिए बर्थडे है, कोई ओकेजन है जैसे कि एनिवर्सरी है, कोई जन्म तिथि है मान लीजिए जैसे गांधी जयंती है, कोई फेस्टिवल्स हैं जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, दीपावली हो गया, क्रिसमस हो गया, इस प्रकार के दिनों में, स्पेशल दिनों में हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ खुशियां बांटें जो कि कहीं ना कहीं हमारी खुशियों से, हमारे लेवल की खुशियों से वंचित हैं। हमारा प्रयास होता है कि उन तक मिठाइयां या जो भी चीज़ें हैं जो आप बांटना चाहते हैं वो हम उन तक पहुंचाएं, और हमारा पूरा ये प्रयास रहता है कि आप भी हमारे साथ आएं, मिले जुलें उन लोगों के साथ, उनकी खुशियां देखें वो कितने खुश होते हैं। हमारी अभी तक जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और विंग का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि भी एक 24/7 सर्विस है।
जिसके अंतर्गत ज्ञान कोश नाम का एक बुक बैंक आता है। हमारी जो भी बुक्स हैं जो अब काम की नहीं रह गई हैं हमारी, वो आप स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई, जो भी, वो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हम वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत से अभी भी बच्चे हैं, बहुत से जो एजुकेशन से वंचित हैं, और बेसिक एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है इसका महत्व हम सभी जानते हैं। ज्ञान दृष्टि में हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या किसी कारणवश काम पर जाते हैं स्कूल की जगह, कोशिश है कि उन्हें पढ़ाया जाए सैटरडे संडे किसी भी तरह से, और बेसिक एजुकेशन जो होती है एटलीस्ट उन्हें वो ज़रूर मिलनी चाहिए। अंत में मैं संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपनी बात रख सकूँ। स्वप्नदीप इंस्टीट्यूट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहीं से मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं और मैं आगे इसे कंटिन्यू रखूँगी हमेशा। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। है जो कुछ भी हमारे पास लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहिए ले जाइए सरे बाजार बैठे हैं। मंजिल पर मनाओ जश्न मंजिल पर पहुँचने का, लेकिन खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।